रही है बर्ड लाइव वाली, उसमें सर क्या है और क्या अभी तक सामने आया? पोरबंदर जिला में 15 अगस्त ना दिन जो एक भगवदर पुलिस स्टेशन में 3 लोगों की एक मिसिंग रिपोर्ट दाखिल करी थी, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड महिला हेतल सोलंकी, उनके पति कीर्ति सोलंकी और फॉरेस्ट गार्ड में कैजुअल फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर तरीके काम करते नागा भैया गार्ड, इन 3 लोगों की एक मिसिंग रिपोर्ट दाखिल करी थी, जिसके बाद इन तीनों की डिटेक्शन करने के लिए, इनको ढूंढने के लिए बरडा डूंगर में 16 तारीख और 17 तारीख को पुलिस की टीम्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गई थी। 17 तारीख को सवारे इन 3 लोगों का शव सरमणी भाव विस्तार में से मिला था, जिसके बाद हेतल बेन सोलंकी के फादर की मर्डर की फरियाद भगवदर पुलिस स्टेशन में ली गई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन DYSP लेवल के ऑफिसर द्वारा की गई है और प्राथमिक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो चौथा आदमी लक्ष्मण देवशी ओडेद्रा जो इन 3 लोगों के साथ फॉरेस्ट में अंदर गया था, उसने इसकी कबूलात करी है मर्डर की और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि मर्डर का कारण 3 साल पहले से जब हेतलबेन सोलंकी गोडाना बीट में पोस्टिंग हुई थी तो ये साथी फॉरेस्ट गार्ड लक्ष्मण ओडेद्रा तब से उनके संपर्क में है और उसके साथ में ये उनके साथ में आगे मित्रता और आगे संबंध रखना चाहता था, जिसकी जानकारी लक्ष्मण भाई ओडेद्रा ने वाइफ को जब हुई तो उनके साथ में 2 साल से इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। कुछ दिनों पहले भी इस तरह से जो लड़ाई झगड़ा हुआ था और धमकी और मारामारी जैसी परिस्थिति थी, उसकी बात को ध्यान में रख के उसकी बदला लेने के लिए ही ये लक्ष्मण ओडेद्रा ने ये प्लान बनाया था। 15 तारीख को लक्ष्मण भाई ने नागा भाई के थ्रू कि जंगल में उस विस्तार में कुछ गैरकायदे से प्रवृत्ति करी जा रही है जंगल खाता के एरिया में, तो उसमें कार्रवाई करने के लिए नागा भाई के थ्रू इन दोनों को बुलाया गया और जब ये बड़ा डूंगर में अंदर गए तो जगह में टाइम दे के अलग अलग जब चांस मिला तो इन तीनों की अलग अलग जगह पर हत्या की गई है। हत्या में उपयोग होने वाला हथियार लक्ष्मण ओडेद्रा के पास जो लकड़ी का गेड़िया था उससे तीनों के सर के पार्ट में गंभीर इजाओं द्वारा इनकी मौत की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और एविडेंसेस कलेक्ट करने में आ रहे हैं। इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, पर बाकी एंगल पे भी तपास की जाएगी कि इसके अलावा भी और कोई इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। आगे का प्रोसीजर इसको कस्टडी में लेने के बाद कोविड टेस्ट कराने के बाद इसको कायदे से अरेस्ट करा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी और अभी तक की तपास में ये पर्सनल कारण से की गई एक मर्डर की हत्या है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में और कुछ डेवलपमेंट होगा मीडिया को उसी हिसाब से आगे भी जान किया जाएगा। जो लेडी हेतलबेन सोलंकी है ये 6 महीने गर्भवती थी और इसके लिए कायदे सर FIR में भी सेक्शंस डाले गए हैं और इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन इसी कायदे सर तरीके से चल रही है। पूरा जो वादा था उसमें पुलिस की कितनी कार्यवाही की, पुलिस ने कितने स्टाफ किया था, कितने दिन? जब ये मिसिंग जानवा चौक मिसिंग की दाखिल करी थी कंप्लेंट 16th की मॉर्निंग में, उसी दिन से पुलिस की अलग अलग टीम्स पहले दिन करीबन 100 आदमी ड्रोन्स के साथ और स्निफर डॉग के साथ बड़ा डूंगर विस्तार में गए थे। 17th को हमने मास स्केल में 200 जितने पुलिस स्टाफ होमगार्ड GRD को उपयोग में लिया था और उस दिन हमें सवारे इन तीनों का शव मिला था। सब जो फाइंड की वो वॉक की मदद से ली या लक्ष्मण ने बताया?
नहीं, ये हमारी पुलिस टीम जब अपने अलग अलग रूट्स पे जा रही थी तो एक रूट में झरने के किनारे पुलिस टीम को सफर करना,